व्यक्तिगत विकास रचनात्मक प्रयत्न और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है जो पूर्व निर्धारित करता है चुनाव बदलाव जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीने की क्षमता का। एडिक्शन हमें अलग करता है लोगों जगह और चीज़ों से जो हमारी दुनिया से बाहर है, जहाँ पर पाना इस्तेमाल करना और ढूंढना तरीके और जरिए हैं। प्रक्रिया को चलाते रहने के लिए आक्रामक हुन्नस भरा आत्मकेंद्रित और आजाना प्रयास के परिणाम है। सद्भाव ऐसा कार्य है जो अपना अलावा दूसरों को भी शामिल करता है। ऐसा तरीका है जो दूसरों को उनकी ज़िंदगी में उतना ही महत्वपूर्ण मानता है जितना कि हम स्वयं को अपनी ज़िंदगी में। यह कहना मुश्किल है कि सद्भाव में सहानुभूति मिलती है या सहानुभूति में सद्भाव। अगर हम सहानुभूति को दूसरों को में खुद को देखने की क्षमता स्वीकारें, स्वयं की पहचान खोए बगैर, तब हम दोनों में समानता पहचान पाते हैं। यदि हमने स्वयं को स्वीकार लिया है तो हम दूसरों को कैसे नकार सकते हैं। स्नेह समानता देखने से आता है। असहनशीलता उन भेदों का परिणाम है जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते। हम निजी विकास में आज़ादी और सद्भाव का इस्तेमाल एक दूसरे के आध्यात्मिक और सांसारिक मूल्यों को जानते हैं और प्रकार के मूल्यांकन इस्तेमाल करता है। सक्रिय एडिक्शन के अंत केवल पागलपन संस्था और मौत है। सुधार में उच्च शक्ति और रहने के बारे तत्वों की मदद द्वारा कुछ भी संभव है। रचनात्मक कार्य और रहस्य में प्रक्रिया नहीं है। हालांकि यह हमें हमारे अस्त व्यस्त को टूटे हुए व्यक्तित्व को पूर्ण निर्माण या पूर्ण संगठित करने की एक अंदरूनी कार्य है। सरल शब्दों में अक्सर इसके मायने उन बातों और अंतर ज्ञान संवेदनाओं पर सुनना और उन पर स्वेच्छा से लगातार काम करते रहना। यह हम सोचते हैं कि वे दूसरों के लिए हमारे लिए लाभदायक होंगे। यहाँ पर कार्य के लिए मूल सिद्धांत प्रकट होते हैं, तब हम योग्य होते हैं। सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने वे जिनके हमारे लिए सच्ची कीमत है। नारकोटिक जानते हैं कि हम ना किसी से बढ़कर है और ना किसी से कम, जो है वही रहने से हमारा वास्तविक मूल्य है। स्वयं और स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी के साथ आज़ादी की प्रमुखता हमारे जीवन में श्रेष्ठ प्रकट होती है। रोज अभ्यास द्वारा हम आज़ादी पाते हैं और बढ़ाते हैं। यह वह रचनात्मक कार्य है जिसकी कभी अंत नहीं होता। सद्भाव अवश्य हर आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। हमारे हर कार्य में यह स्नेह और प्यार लाता है। बगैर किसी निजी पुरस्कार की आशा के जब हम हमारे संगठन की सेवा में यह तीन लक्ष्य आज़ादी रचनात्मक कार्य और सद्भाव दिखाई देते हैं, तब ऐसे बदलाव आते हैं जिसके अंत की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते और ना ही उस पर नियंत्रण। एडिक्शन की इतनी संभावित परिभाषाएं हैं जितनी सिर्फ